हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को सबसे पहले देखिए। आज मैं आपको सेब की बर्फी बनाना बताऊँ। बर्फी बनाने के लिए दो सेब को हमने धो लिया है। इसे छील के कद्दूकस कर ग्रेटेड एप्पल को हम पैन में डाल के इसे पका लेंगे। दो कप ग्रेटेड नारियल डालेंगे, डेढ़ कप चीनी डालेंगे। अब हम बादाम को इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। दो मिनट तक हमने पका लिया है इसको लो फ्लेम पर। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। ड्राई कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला। आप चाहें तो इसमें मावा भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून कार्डिमम पाउडर ऐड करेंगे, यानी इलायची पाउडर। अब अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इस मोल्ड में हमने बटर पेपर लगा लिया है। अगर बटर नहीं है तो आप घी को मेल्ट करके लगा सकते हैं। बटर पेपर का वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो एक प्लेट में घी लगा के बर्फी को जमा सकते हैं। अब मोल्ड में डाल के इस तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम। इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब इस पर कट का निशान लगा के मोल्ड से बाहर निकालेंगे। इसमें पिस्ता भी हमने लगा दिया है। अब इस तरह से सारे पीसे निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसे पीसेस में काट लिया है। यह 5 मिनट में बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसे आप जरूर बनाएं। अब यह बर्फी तैयार है। यह बच्चों को बहुत पसंद है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।